कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज बोकारो में जिले के स्वास्थ्य महकमे ने इसकी पूरी तैयारी का जो है विवरण जो है वो मीडिया के सामने रखा। आपको बता दें कि 20 मार्च से शुरू होगा विशेष टीकाकरण अभियान, इसी की पूरी तैयारी लियो है उसकी जानकारी जो है वो दी गई। इस बात की जानकारी जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में एक दिन टीकाकरण शिविर जो है वो आयोजित किया जाएगा और इसके लिए लोगों को भी उन्होंने जागरूक किया। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं बोकारो से संगीता की खास रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं संगीता की खास रिपोर्ट। रखने का एक ही मकसद है कि कोरोना का जो दूसरा वेव जो आप हर जगह देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाया हुआ है, और वास्तव में हम लोगों को भी अब ये भय सता रहा है कि दूसरा जो वेव है वो एकदम बिल्कुल दस्तक दे रहा है, क्योंकि केस बढ़ना शुरू हो गया है और केस बढ़ रहा है तो हम लोगों को उसी तरह से अपना तैयारी भी करना है ताकि हम लोग इसको रोक सकें। और इसको रोकने के लिए ही ये जो अभियान हम लोग चला रहे हैं उसका एक पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट जो है वैक्सीन वाला उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बचाव वाला पार्ट है, कि हमको मास्क लगाना है, हमें हाथ बार बार धोना है साबुन पानी से, और 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और मास्क तो नितांत ही आवश्यक है। सभी लोगों से मेरा अपील रहेगा कि मास्क लगा कर ही घूमें, ये उनका सुरक्षा का पहला कवच है। और जो दूसरा कवच है वो हम लोग वैक्सीन का, वो वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पांस अभी भी कम है। अभी 60 साल से ऊपर के हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो है टारगेट है 2 लाख से ऊपर, और अभी तक जो हुआ है 10,000-12,000 पर हम लोग अटके हुए हैं। तो सरकार इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सोची कि इस कैसे हम लोग सुदूर क्षेत्रों में जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास साधन नहीं है, वो टाउन आके वैक्सीन नहीं ले सकते हैं या CHC ब्लॉक हेडक्वार्टर में आके नहीं ले सकते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है इसीलिए आया कि पंचायत में जा कर के दिया जाए। और पंचायत में हम लोग कल से कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जो सुबह 9 बजे शुरू होगा, शाम 5 बजे तक सभी पंचायत में 6 दिनों के अंदर हम लोग बारी बारी से एक एक दिन अभी रखे हैं, फिर जैसा ज़रूरत होगा और भी कैंपेन चलेगा। तो मेरा पब्लिक से, जनता से यहाँ बोकारो के यही अनुरोध है कि इस मौका का लाभ उठावे, और जो कोरोना यहाँ पर विकराल रूप से आने की संभावना बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जो सुरक्षा का उपाय बताया गया है उसको फॉलो करें, और वैक्सीन ज़रूर से लें जो 60 से ऊपर हैं या 45 से ऊपर, जिनको और भी 20 तरह के बीमारी के बारे में बताया गया है जिसमें कॉमन है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या किसी भी तरह का हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो इस तरह के जो रोग हैं वो अपना पर्ची लेकर के आवे, और पर्ची के साथ वैक्सीन नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर पर जाकर और वैक्सीन लें। इसके अलावा ये जो कैंपेन चल रहा है, मेरा रूटीन वैक्सीनेशन सब जगह हर शनिवार हर CHC में और हेल्थ सेंटर वगैरह में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी चल रहा है। तो आप लोग इस कैंपेन के अलावा भी जो बच जाए वो वहाँ ले सकते हैं और वो चालू रहेगा। तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वैक्सीनेशन अपना टीका लें जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सर एक चीज़ बताइए, अभी पंचायत में जो आप लोग स्ट्रेटजी तैयार किए हैं किस तरह कि हम लोग इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखे हैं विभिन्न डिपार्टमेंटों से, जैसे एडुकेशन भी इन्वॉल्व है इस अभियान में, ICDS भी इन्वॉल्व है, और JSPL स्वयं सहायता समूह जो है उनको ज़्यादा जवाबदेही दी गई है, और हमारी सहिया आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सबों को इन्वॉल्व किया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंटर पर लाकर उनका टीकाकरण किया जा सके। सर अभी कितना दिन, 1 दिन होगा, क्या है अभी आप लोग का टारगेट रखे पंचायत? 6 दिन है अभी हमारा हो रहा है, 20-21, फिर 22 को नहीं होगा, 23-24, फिर 25 को नहीं होगा, 26-27, और इसमें हमारे जितने 250 पंचायत हैं उन 250 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में एक एक दिन उसको टेबल बनाया गया है रोस्टर,
उस हिसाब से इसमें टीकाकरण किया जाएगा। आप लोग सेंटर कहाँ बनाए हैं, पंचायत भवन में कि? हम लोगों ने उन्हें छूट दे रखा है कि जहाँ पर जो भी अच्छा बिल्डिंग है जिसमें कि सारा मापदंडों को पूरा किया जा सके, कि ताकि वेटिंग एरिया हो, वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, ऐसे जगह को वो चुन सकते हैं, चाहे वो स्कूल का बिल्डिंग हो, पंचायत भवन हो या किसी भी तरह का सरकारी बिल्डिंग हो। तो सरकार की इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाना है, तो डॉक्टर साहब कैसे मॉनिटरिंग हो रही है और उसमें खास करके वीडियो मुखिया MYC और पंचायती राज पदाधिकारियों से DPO की सब